स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर थर्मल तो आइए इसे समझते हैं तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर कॉन्सेंट्रेटर नहीं है ये जो आप देख रहे हैं लेकिन ये सिंगल डिश के मामले में सोलर कॉन्सेंट्रेटर के मामले में वन ऑफ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट है तो ये इसमें समझिए 380 हंड्रेड एंड एटी मिररर यूनिट्स लगा है जो जो आप मिरर देख रहे हो वो 380 हंड्रेड एंड एटी यूनिट्स लगा है 26 सिक्स टन तक का डिश है और इसका सरफेस एरिया रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया 500 स्क्वायर मीटर का है जो कि काफ़ी बड़ा स्क्वायर एरिया हो जाता है और इसमें डुअल एक्सेस ट्रैकर है यानी सन को सिर्फ ये दोनों एक्सिस में ट्रैक करता है मतलब पर परफेक्ट ट्रैक्शन है और इसका ये समझिए कि, कि कितना एम्पलीफिकेशन है एम्पलीफिकेशन समझिए 500 मीटर स्क्वायर का एनर्जी लीजिए जो सन से पड़ रहा है उसे आप एक छोटा सा जो छोटा सा एरिया है वो एरिया है 600 हंड्रेड मिलीमीटर स्क्वायर का यानी कि 830 एक्स एम्पलीफिकेशन हो रहा है मतलब सरफेस एरिया के मामले में और ये वडोदरा गुजरात के बगल में डाला गया है इससे पहले ये था ऑस्ट्रेलिया में जो बनाया गया था 2008 9 में ये ऑलमोस्ट इसके साइज़ का बस इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया छोटा है मतलब ये डिजाइन लीजिए इसे अगर आप और बड़ा करते हो तो ये आ जाएगा तो ये डिश इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इस डिश का आउटपुट क्या है इस डिश का आउटपुट है स्टीम अभी जो बनाया गया मतलब ये समझिए आप जिस टाइम बनवा रहे हैं उनसे वो आपको डिसाइड करने दे देंगे कि भैया आपको कौन टेम्परेचर चाहिए कौन प्रेशर चाहिए जैसे कुछ लोगों को ज्यादा प्रेशर चाहिए ज्यादा प्रेशर के पीछे काम करो कुछ लोगों को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ज्यादा पे काम करो वो आप डिसाइड करोगे तो जो डिजाइन एक्टिव है अभी यूज में वो फाइव डिग्री सेल्सियस और आपको 50 बार प्रेशर देता है और अगर आपको पंप बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप पानी डाल रहे हो वो बॉईल हो रहा है वो अगर आप डाल रहे हो किसी भी जैसे मान लीजिए टर्बाइन से आप भेज रहे हो प्रॉब्लम टर्बाबाइन थोड़ा सा प्रेशर बनाता है अगर टर्बाइन प्रेशर बनाएगा तो स्टीम लो प्रेशर एरिया में भागने की कोशिश करें यानी कि आपको वापस वाटर टैंक में चला जाएगा तो इसीलिए पंप चाहिए होता है जैसे इसके केस में भी फिफ्टी बार का पंप है जो पानी को पंप कर रहा है वो ज़रूरी होता है आप इसे बढ़ा भी सकते हैं वन तक Uh, आपका जरूरत है तो करें नहीं है तो नहीं करना अब यहाँ पे समझिए कि इनका कोर फोकस सोलर डिश का कोर फोकस बिजली बनाने में नहीं है इनका कोर फोकस है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम बनाने का अब वो स्टीम से क्या होगा इंडस्ट्रियल यूज़ होगा क्या इससे आप पावर बना सकते हैं बिजली बना सकते हैं बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो वेस्टफुल होगा यानी कि अगर आपको इसे बिजली निकालने के लिए आप ये कर रहे हैं वो उतना स्मार्ट आइडिया नहीं है आपको स्टीम चाहिए हाई प्रेशर चाहिए हाई टेम्परेचर चाहिए बम बम बिजली चाहिए ये उसके लिए नहीं है तो कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे इस तरह के स्टीम का ज़रूरत है यानी कि इतने हाई टेम्परेचर पे इतने हाई प्रेशर पे फार्मास्यूटिकल हो गया टेक्सटाइल हो गया एयर कंडीशनिंग हो गया कुकिंग हो गया और इस तरह के बहुत सारे और लंबा लिस्ट है जहाँ पे हीट मतलब हाई प्रेशर स्टीम के माध्यम से यूज़ किया जाता है बहुत सारे फील्ड हैं तो वही समझिए और ये आपको बस खरीद नहीं लेना ये कम आ, मतलब फिक्स पीस नहीं है जैसे कि आप आ, सोलर फार्म खरीदते हो तो तो वो फिक्सड होता है कि भाई सोलर फार्म लगाना है आप लगा दो तो, बस ये बताओ कितना मेगावाट का चाहिए ये वैसा नहीं है ये आप डिज़ाइन करवाओगे कि मेरा जगह इतना है इसके हिसाब से मतलब थोड़ा टेलर मेड आइटम है तो और प्रेशर और टेम्परेचर ये कंट्रोल होता है वेरिएबल्स हैं आपको चूज़ करना होगा कि क्या चाहिए तभी जाके ये क्विक आर देगा आर नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा यानी कि मान लीजिए आप ये बनाते हो ऑब्वियसली इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट है क्योंकि फिजिकल मूविंग पार्ट्स है टाइम लगेगा ग्रिश लगेंगे मोटर्स है बहुत सारी चीज़ें है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगा दे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम करने का एक ही तरीका डिजाइन के टाइम में अच्छे से इंजीनियर के साथ बैठकर डिजाइन करें कि मेरा प्लांट ये है या मेरा हॉस्पिटल ये है उसको ये ये कंजम्पशन है उसके हिसाब से आप बताओ क्या लगेगा तो ये समझना जरूरी है ये बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने वाला टेक्नोलॉजी नहीं है ये आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के हिसाब लगाना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज में इसका है सीधा सीधा ग्रोथ होने वाला जैसे ये फाइनल हो जाएगा मास प्रोडक्शन शुरू होगा सब कंपनी चुपचाप से पैसा लो हमको ये दे दो क्योंकि ये मतलब सेल्सियस और इस टेम्परेचर और प्रेशर के साथ एक साथ अगर आपको स्टीम मिल रहा है बहुत फील्ड सीधे बोलेगा चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो तो अब बात करते हैं इसमें जो मैंने सोर्स वीडियो जो आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा उसमें एक वर्ड इन्होंने यूज किया था ट्राई जनरेशन तो भाई ट्राई जनरेशन क्या होता है कंबाइंड जनरेशन हम लोग सुनते हैं जिसमें होता है कंबाइंड हीट एंड पावर तो ट्राई जनरेशन होता है ना जब आप तीन चीज निकाल रहे हो आपका जो भी सोर्स है चाहे वो सोलर सोर्स हो चाहे आपका फ्यूल हो कुछ भी हो सोर्स जो भी हो उससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं उससे आप कूलिंग करते हैं और उसे हीट भी आप यूज करते हैं तो उसे ट्राई जनरेशन कहा जाता है इसीलिए उसे ट्राई जनरेशन कह रहे हैं तो यहां पर हिसाब यह है कि हो क्या रहता है तो आप आपने पंप स्टार्ट किया पंप पानी भेजा सन उसमें प्यार से गर्मी और प्रेशर दोनों डाल दिया आपका हो गया सोलर कॉन्सेंट्रेशन से आउटपुट जो निकल रहा उस है उस आउटपुट में बहुत ज्यादा प्रेशर फिफ्टी बार्स या वन हंड्रेड बार या वन सिक्स बार जो भी आपका प्रेशर वो आपको आपको मिल गया फिर तो तो इसे आप फीड करोगे जिसे हम लोग कहते हैं बैक प्रेशर तो ये इस तरह का एक यूनिट होता है बहुत पावरफुल नहीं होता लेकिन काफी काम करता है और ये बैक प्रेशर का काम होता है ना कि आप ये टर्न का एक खास बात होता है टेम्परेचर से उसको कोई लेना देना नहीं मतलब अगर उसमें आप बहुत हाई टेम्परेचर कुछ डालते हैं दूसरे साइड भी उतना ही टेम्परेचर निकल जाएगा जैसे कि हम लोग का स्टीम कोल पावर प्लांट्स जो होते हैं जो स्टीम घुसता है जिस टेमपेचर पर रहता है निकलने टाइम ऑलमोस्ट उसी टेम्परेचर पर रहता है ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉस होता है लेकिन मेजोरिटी एनर्जी जो थर्मल फॉर्मेट में उधर से उधर निकल तो भैया एनर्जी कहां से आ जा से रहा है टर्बाइन घूम किस किससे वो प्रेशर से कर रहा है तो प्रेशर आराम से हो सकता है कि आप हंड्रेड दे रहे हैं पी दे रहे हैं दूसरे साइड पार्शल वैक्यूम निकलेगा इसीलिए देखिए स्टीम का जो इनपुट पाइप रहता है इतना सा रहता है आउटपुट इतना बड़ा सा वैक्यूम रहता है तो ये समझना चाहिए बैक प्रेशर टर्बाइन इसी बात का फायदा उठाता है यानी कि कई जगह पर कई सारे फील्ड में बहुत हाई स्टीम मिलता है बोलेंगे हाई स्टीम चाहिए क्यों जब अगर आपको जरूरत मान लीजिए पांच बार का है आप पचास बार पे बना क्यों रहे बात ये समझिए कि अगर आप हाई प्रेशर वाटर इस्तेमाल करते तो ही आप कोल बॉयलर ठीक से यूज कर पाएंगे बहुत सारे बॉयलर फर्नस हाई प्रेशर वाटर पे ही काम करता छोटे ये मतलब लो प्रेशर नहीं करता तो कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपको हमेशा जब देखो तब प्रेशर मिल रहा है। तो समझिए वाल से ब्लीड करते हैं तो बात है वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है ऑब्वियसली आपने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया उससे आप, आप वेस्ट कर रहे हो तो किसी को आइडिया है कि भैया उसके लिए यहाँ पर टर्बाइन क्यों नहीं लगा देते टर्बाइन उसे एनर्जी निकाल देता है और पी घटा देता है और टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है यानी कि नेग्लिजिबल रहता है यानी एक जो टेम्परेचर चाहिए था वो आपको अभी भी मिल रहा है बस प्रेशर ये हो जा रहा है प्रेशर रिकवरी हो जा रही है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में और कुछ कुछ यूनिट आराम से आपका एक मेगावाट दो मेगावाट सौ किलोवाट बहुत सारे अलग अलग रेटिंग्स के अलग अलग प्लांट्स में यूज़ हो रहा है तो ये मतलब भारत सरकार खुद ही प्रमोट कर रहा है कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खासतौर में आप बना रहे हो बम बम हाई प्रेशर स्टीम आपको कपड़ा का सिस्टम को चाहिए बहुत कम प्रेशर का स्टीम तो वो प्रेशर फालतू का वेस्ट हो गया नहीं जी बिजली निकाल लो तो यहाँ पे आपका सोलर से एनर्जी आया था उसमें दो फॉर्मेट में आया था बार्स और टेम्परेचर आया था आपका बार्स यूज़ हो गया यहाँ से आप पी बहुत कम हो गया आपका यानी बार ड्रॉप कर गया तो वो बैक प्रेशर में इलेक्ट्रिसिटी निकल गई दूसरा वैम चिलर्स यानी कि ये क्या बोलते हैं वेपर एप्सऑप्शन चिलर करके जो मशीन है ये मशीन आपका कूलिंग करता है लेकिन इसे ये चाहिए है, मतलब क्या बोलते हैं स्टीम चाहिए जो हाई टेम्परेचर में हो प्रेशर भी चाहिए लेकिन प्रेशर बहुत कम चाहिए यानी इसको अगर आप देते हो प्रेशर के भैया तुम फिफ्टी लो टेन आउटपुट कर दो कम बिजली निकाले आप मान लो इसको दे दो हंड्रेड लो और टेन तक ड्रॉप करो बहुत बिजली निकालेगा ये इसीलिए बोलते हैं कि सिस्टम को डिजाइन करवाने टाइम आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या चाहिए क्या है जैसे मान लो कुछ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं चाहिए ठीक है भाई आप फिफ्टी इनपुट डालो मुझे टेन चाहिए क्योंकि चिलर सब जनरली टेन से नीचे ही मांगते हैं तो टेन बार ये लेगा लेकिन इसको हाई टेम्परेचर चाहिए आपका स्टीम जो है सुपर क्रिटिकल हो और सुपर क्रिटिकल कहना होगा मतलब आप ये कि, कि काफ़ी हॉट रहे मतलब आराम से थ्री uh, 300 के आसपास तक रहे टू तो मिनिमम रहे तो ये बम बम काम करता है ये आपका एयर कंडीशनिंग कर देगा जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं वीडियो, ये वीडियो बना हुआ है वो लोग टारगेट कर रहे हैं वन टन का ये मतलब पूरा एक बड़ा सा आश्रम को ठंडा करने के लिए वन टन का ऐसे बहुत सारे जगह आते हैं लेकिन वहां पर आपका वेस्ट स्टीम होना चाहिए तो ये स्टीम आपको आराम से यूज करते रहता तब आपके पास टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है आपका हीट यूज़ हो गया आपका प्रेशर यूज़ हो गया लेकिन बात समझिए इससे जो आउटपुट निकल रहा है यानी कि जो आपने डाला था स्टीम उसका हीट यूज़ हो जाएगा वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा लेकिन अभी भी वेस्ट हीट बचा हुआ है अब उस हीट को आप डायरेक्ट लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हो जैसे कि हॉस्पिटल में खूब कपड़े धुलते हैं और उसे हॉट वाटर से धोना होता है ताकि वो स्टेरलाइज रहे तो ये बोलेगा भैया अभी इससे जो आउटपुट निकल रहा है वो अभी भी हॉट ही है वो अभी भी हॉट है कि आपको गीजर में जितना पानी रहता है उससे ज़्यादा ही हॉट है ये तो भैया शांति से सारा वॉशिंग मशीन उस पर चलाओ धोने का काम का करो तो वही तीन स्टेप में यूज कर रहे हैं आप आराम से बिजली निकाल लिए आराम से कूलिंग कर लिए और जो हीट आ रहा है उसे हीट फॉर्मेट में यूज़ किए तो आपका ट्राई जनरेशन हो गया ये बहुत सारे जगह और भी ट्राई किया जाता है जहां पे जैसे आपका जेट पावर प्लांट है उससे जनरेटर चल रहा है जनरेटर का थोड़ा सा पावर आप ये कर ले रहे हो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो थोड़ा पावर आप भेज दे रहे हो एब्सॉर्प्शन चिलर में क्योंकि ये चिलर भले समझिए कि हंड्रेड किलो का कूलिंग कपैसिटी देगा लेकिन ये बिजली खाएगा और बिजली होता है ऑक्जिलरी इक्विपमेंट्स के लिए तो आराम से इसका ऑक्जिलरी एक किलो से दो तीन किलो तक का हो सकता है तो अगर आप थाउजेंड टन का

और वो बिजली का आपको जो करना कीजिए और फिर ये आपका कूलिंग मेन काम कर दे रहा है और फिर जो हॉट इससे निकल रहा है वो हॉट से आप आराम से वॉशिंग मशीन चलाइए जो कि हॉस्पिटल सबके लिए बहुत जरूरी है तो इसी को हम लोग ट्राई जनरेशन कहते हैं इसलिए के ज्यादा कन्फ्यूजन है ट्राई जनरेशन का मतलब वही हो गया कि हीट एंड कूलिंग दोनों डाल रहे हैं कूलिंग आप ठूसते रहो उसमें तो इसीलिए ट्राई जनरेशन कहते हैं तो टोटल इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है अगर आपका सिस्टम ठीक से प्लांट है यानी कि अगर आप बिजली ले रहे हो और बिजली से ए ही चला रहे हो तो ये करो डायरेक्ट अगर आप बिजली ले रहे हो उसे स्टीम ही बना रहे हो तो ये करो तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफिशियंसी देता है यानी कि अबव सेवेंटी यूजफुल एनर्जी आ जाती है आपके पास जो कि बहुत 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 ज़्यादा है इसीलिए जो कंपनी ट्राई करेगी खूब सारे छोटे छोटे डिश को हटा के उसे आधे जगह में एक बड़ा डिश ज़्यादा काम कर पा रहा है तो वही ट्राई जनरेशन का फायदा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी होता है बहुत फ़चांग लगता है लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाता है तो अब बात करते हैं स्टोरेज का क्योंकि ये समझिए जनरेशन जब हो रहा है जैसे मान ली बीच दोपहरियों में बम बम गर्मी बन रहा है खूब बढ़िया से पावर निकल रहा है बल्ले बल्ले लेकिन भैया उस टाइम आपका डिमांड नहीं लाइन अप कर रहा है तो क्या करेंगे जैसे कि इन केस में आश्रम में था कि लोग सुबह उठ जाते हो सुबह से काम करना शुरू कर देते हैं तो जो स्टीम का कुकिंग से आप मान लो यूज़ कर रहे हो तो आप तो चाहोगे ना भैया मैं खाना बनाना शुरू सुबह का नाश्ता बनने का काम हो रहा है उसी टाइम स्टीम चाहिए यही नहीं कि भैया अब इंतजार करो दोपहर में हम करेंगे वैसे तो कोई काम नहीं चलेगा तो इसीलिए स्टोरेज उस समस्या को सॉल्व करता है कि आपका आउटपुट और कंजम्पशन दोनों को बीच में वो बफर डाल देता है कि आउटपुट जब होगा दोपहर में होगा हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपको जो सुबह सुबह चाहिए था वो हम डिस्चार्ज करके दे देंगे और जो दोपहर में हुआ वो अगले दिन सुबह यूज़ हो जाएगा ताकि आपको टाइम लिमिट नहीं रहेगी एग्जैक्टली इसी टाइम यूज़ करना है आपको जो टाइम का जरूरत है आराम से उसमें यूज़ कीजिए तो ऐसा करेंगे कैसा ऐसा इस तरह का टैंक का इस्तेमाल करके करेंगे इसे कहते हैं प्रेशराइज वाटर स्टोरेज टैंक जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाटर है स्टीम नहीं वाटर है तो बोलेंगे भाई ठंडा नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली होगा ऑब्वियसली हो हो इसको इंसुलेट करना होगा और प्रेशर भी है लेकिन बात ये समझिए बहुत धीरे धीरे लॉस करेगा और इनको बस इतना करना है कि मतलब उसमें एक दिन का आगे पीछे वो सोच रहे हैं कि मतलब आज आप दो आज दोपहर की गर्मी कल सुबह यूज़ हो जाए बस इनका इतना ही काम है तो इसको उतना इंसुलेट कर देना है और प्रेशर होने का फायदा ये रहता है कि जैसे इससे स्टीम ये वाल्व खोलेंगे स्टीम निकलेगा स्टीम निकले है। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो पानी ठंडा हो गया गर्म पानी अब निकल रहा ना ना अभी भी स्टीम निकला इसीलिए प्रेशर स्टोरेज टैंक चाहिए इनको प्रेशर वेसल जिसे कहते हैं इसीलिए ये लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं गर्म पानी रख रहे हैं प्रेशराइज गर्म पानी जो कि हाई टेम्परेचर पर हो अगर आप रखते हो तो काफ़ी देर तक के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बिना फॉर्मेट लॉस के आप कर सकते हो ऐसा नहीं होगा कि ओ जी मैंने स्टीम के लिए रखा था लेकिन अब स्टीम नहीं निकल सिर्फ गर्म पानी निकला रहा पानी निकल रहा वैसा नहीं होगा ये प्रेशर का फ़ायदा उठाता है ये करेंगे ये अंडर टेस्टिंग में है ये ये डिश बन चुका है डिश से काम होने वाला हो गया लेकिन स्टोरेज जो है ये उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि स्टोरेज का कितना बड़ा टैंक देते हैं कितना आवर्स का वो स्टोरेज देता है क्या अप्स होते हैं क्या डाउन होते हैं वो सब टेस्टिंग हो रही है अभी स्टोरेज के मामले में सॉल्ट उल्ट नहीं कर रहे हैं कोई हु ला, ला नहीं है बस शांति से एक हाई प्रेशर हाई स्ट्रेंथ टैंक चाहिए इनको ऑब्वियसली इंसुलेट जितना अच्छा करेंगे उतना लंबा टिक पाएगा तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा तो समझिए ये बहुत बढ़िया औजार है हॉट प्लेसेस के लिए यानी कि ये इंडिया के लिए अफ्रीका के लिए ये सब बम बम औजार है इससे बढ़िया कुछ नहीं क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है मुझे भी नहीं पता कितनी इंडस्ट्री है जहाँ स्टीम के बिना काम नहीं चलने वाला पेपर इंडस्ट्री तो मतलब बिना स्टीम के उनका कुछ होना नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिना स्टीम के कुछ नहीं है फार्मास्यूटिकल बिना उसके कुछ होना नहीं है बहुत सारी और ये सारी इंडस्ट्री इंडिया में है इंडिया में बम बम में स्क्रिप का डिब फार्मासूटिकल तो इंडिया में गर्दा उड़ा रहे हैं और आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे जो मैंने आपको बताया बैक प्रेशर टर्बाइन ये रेमंड का एक इसमें यूज हो रहा है क्या बोलता है फैक्ट्री में यूज हो रहा है नीचे वीडियो दिया हुआ है तो ये समझिए कि बहुत इंडस्ट्री है चुपचाप से बोले भाई पैसा लो हमको स्टीम दे दो तो बात है कि और दूसरा एक बात समझिए इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है गर्म है तो सन हमें पका रहा है भैया गर्म कर दे रहा है बम बम तो बात है कि सन को ही बोलते भैया तुम गर्म कर रहे हो ना संती से तुम ठंडा करो तुम ही ठंडा करो हम नहीं ठंडा करेंगे इस लाइक like, इंडिया में सर्वर्स क्यों नहीं डालते हैं लोग लुट जाएंगे इंडिया की कूलिंग का डिमांड इतनी ज्यादा है तो गर्मी आ कहाँ से रहा सन से आ रहा वही सन का एनर्जी को अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो कूलिंग प्रैक्टिकल हो जाती है भैया बहुत गर्मी है वो बहुत ठंडा मिल रहा है उसी टाइम जितना गर्मी उतनी ही ठंडा मिलेगा और आपका मान लीजिए अगर वेदर ठंडा है वो तब भी काम करेगा क्योंकि वो सनलाइट पे चल रहा है ना मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है और इतना इलेक्ट्रिसिटी ये दे देगा दे कि ऑक्जलरी काम हो जाए तो में ऑक्जलरी काम समझना बहुत जरूरी है इस तरह के बड़े डिश जो आप देख रहे हो ऑब्वियसली उसको घुमाने के लिए भी मोटर लगते हैं वो सबको टाइम लगता है एनर्जी लगता है कई किलो का तो इसका सिर्फ ऑक्स आग्ष, पावर कंज्यम्शन है तो वो सब अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी से निकल जा रहा है आपको उसके लिए सोलर पैनल नहीं लगाना पड़ रहा है या कुछ नहीं करना पड़ रहा है और तब भी आपका नेट पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है उससे बढ़िया है ही क्या तो ये बहुत अच्छा टूल है इंडिया के इंडस्ट्रीज के लिए कि भैया आपको चाहिए स्टीम आप बिजली या गैस का सिस्टम रखे हो उसे ऐसे बैकअप रहने दो उसे बंद मत करो उसे डिकमीशन मत करो उसे रहने दो सोलर लगा के देखो और जनरली ये सब फैक्ट्री आउटडोर एरियाज़ में रहते हैं रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो इनके पास जम के लिए भी कमी नहीं है इससे चलो क्योंकि कुछ कुछ मौसम्स होंगे जहाँ पे ये उतना अच्छा काम नहीं करे खासतौर तो पे बारिश में तो बारिश के टाइम में आप आराम से वो वापस फॉल बैक कर जाओ अपना स्टीम का जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है चाहे वो कोल हो नेचुरल गैस हो एल हो जो भी है वो आप उसे फॉल बैक कर सकते हो जब वापस सन आपको प्यार देने लगे उससे करो और एयर कंडीशनिंग साइड में हो रहा है उससे बढ़िया बात है ही क्या क्योंकि एयर कंडीशनिंग वही बोलूँ थाउजेंड टन का एयर कंडीशनिंग की बात हो रही है और आप बोलोगे कि, कि अगर गर्मी से एयर कंडीशनिंग हो सकते हैं तो हम लोग घर में क्यों नहीं करते हैं बात है से बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए प्लस टेम्परेचर भी चाहिए हम लोग घर में अगर सोलर वाटर हीटर इस्तेमाल करते हैं ए सी चलाने के लिए प्रॉब्लम है कि आपका सोलर वाटर हीटर बहुत हुआ तो एट्टी डिग्री सेल्सियस जाएगा काफ़ी नहीं है आपको चाहिए कम से कम 100, 200 जितना ज़्यादा गैप रहेगा एम्बियंट वर्सेस आपका हॉट वाटर जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना अच्छा चांसेस होगा काम करने का तो इसीलिए ये सब चाहिए कॉन्सेंट्रेटर चाहिए जो बम बम टेम्परेचर बढ़ा दे और ये समझिए कि बहुत सारा चीज़ का ये सरप्लस दे रहा है कि आपको स्टीम मिल जा रहा है जो आप पूरा यूज कर रहे हो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है जो थोड़ा सा आपका लोड घटा दे रहा है आपको कूलिंग मिल जा रही है जिसके चलते सबका हाई तोबा हो रहा है बिजली बिल का तो बहुत बढ़िया औजार है इंडियन इन्वायरमेंट को देखते हुए बहुत बढ़िया औजार है राइट टूल फॉर इंडियन तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर कॉन्सन्ट्रेटर डिस्क के बारे में उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगाओ कुछ सीखने मिला लगो कुछ समझ में आओ अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्तों शेयर कर दे उससे मेरा काफी भला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक दबा सकते हैं मैं कहूंगा डिसलाइक दो बार दबाएं उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है मैं आपसे कहूंगा कि कॉमेंट लिखे मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूं आपसे कहूंगा सब्सक्राइब कीजिए बिल दबाई अगर आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद